इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि तंजीरो पत्थर को काट चुका है। तभी सकोंजी वहां आ जाता है और तंजीरो से कहता है कि वो नहीं चाहता था कि तंजीरो ये पत्थर को काटे, क्योंकि वो और ज्यादा बच्चों को फाइनल सिलेक्शन टेस्ट में मरते हुए नहीं देखना चाहता। इसके बाद सकोंजी तंजीरो से कहता है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद अगली सुबह तंजीरो जब फाइनल टेस्ट के लिए रेडी हो रहा होता है, तब सकोंजी तंजीरो को डीमंस के बारे में बताता है। सकोंजी तंजीरो से कहता है कि डीमन जितने इंसानों को खाएगा वो उतना ही पावरफुल होता चला जाएगा। इसके अलावा सकोंजी तंजीरो को अलग अलग डीमन के बारे में भी बताता है और कहता है कि जब तंजीरो की सूंघने की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी तब वो पता लगा लेगा कि एक डीमन ने कितने इंसानों को खाया है। इसके बाद सकोंजी तंजीरो को एक फॉक्स मास्क देता है, जिस पर सकोंजी तंजीरो की सेफ्टी के लिए एक जादू भी करता है। सकोंजी तंजीरो से उसके लौटने तक उसकी बहन नेज़ुको का ख्याल रखने का प्रॉमिस भी करता है। इसके बाद तंजीरो सकोंजी से कहता है कि उसकी तरफ से साबितो और माकोमो को हेलो कहना, जिसको सुनकर सकोंजी बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे बहुत ही साल पहले मारे जा चुके हैं। यानी कि अभी तक तंजीरो मरे हुए बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। शाम होने तक तंजीरो माउंट फूजी कसाने तक पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत लोगों की भीड़ दिखाई देती है जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए वहां आए हुए होते हैं। माउंट फूजी पर तंजीरो को बहुत सारे विस्टेरिया के फूल दिखाई देते हैं। तभी वहां पर दो ट्विन सिस्टर्स आती हैं, जो सभी लोगों का स्वागत करती हैं और बताती हैं कि माउंटेन पर बहुत सारे डीमंस कैद हैं, जिन्हें डीमन स्लेयर जिंदा पकड़कर लाए थे और वो विस्टेरिया के फूलों की वजह से वहां से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि डीमंस को फूलों से बहुत ज्यादा नफरत है। इसके बाद दोनों बहनें फाइनल टेस्ट के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि टेस्ट में पास होने के लिए सभी लोगों को इस जंगल में 7 दिन तक जिंदा रहना पड़ेगा, और इसी के साथ ये फाइनल टेस्ट शुरू हो जाता है। सभी लोग अब जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल में जाते ही तंजीरो को एक डीमन की स्मेल आने लगती है। तभी एक डीमन तंजीरो पर अटैक करता है, जिससे तंजीरो बच जाता है। उसी के तुरंत बाद एक और डीमन पीछे से तंजीरो पर हमला करता है, पर तंजीरो उस डीमन से भी बच जाता है। उसके बाद वो दोनों तंजीरो को खाने के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर तंजीरो को थोड़ा सा डर लगता है। अब दोनों डीमन एक साथ तंजीरो पर अटैक कर देते हैं। तंजीरो एक गहरी सांस लेता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। उसके बाद तंजीरो फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीदिंग टेक्निक ट्रैकिंग टाइड का यूज करता है और दोनों डीमंस पर अटैक करता है और उनका सर काट देता है, जिससे उन दोनों डीमंस की वहीं पर मौत हो जाती है। तंजीरो अब अपने ट्रेनिंग को लेकर खुश हो जाता है और याद करता है कि सकोंजी ने उसे बताया था डीमंस का वीक पॉइंट उनकी गर्दन होती है। डीमंस की गर्दन को नॉर्मल तलवार से नहीं काटा जा सकता, इसके लिए निश्चिन स्वॉर्ड्स का यूज करना पड़ता है, जो कि डीमन सिलर्स का स्पेशल हथियार होता है। इसके बाद तंजीरो को एक और डीमन की बहुत गंदी स्मेल आती है। वो देखता है कि एक लड़का उस डीमन से बचकर भाग रहा होता है। जब तंजीरो मुड़कर देखता है तो उसे एक बड़ा भयानक सा डीमन थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर तंजीरो भी डर जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साबितो और माकोमो तंजीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें माकोमो साबितो से कहती है उसे तंजीरो की चिंता हो रही है, क्या तंजीरो ब्लेड डीमन को हरा पाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो डीमन तंजीरो के सामने खड़ा हुआ था उसके हाथ में एक बच्चा होता है, जिसे वो डीमन खा लेता है, और उसे खाते ही डीमन और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जो लड़का उस डीमन से बचकर भाग रहा था, डीमन उसे भी पकड़ लेता है। जैसे ही डीमन उस बच्चे को खाने वाला होता है, तंजीरो अपने डर पर काबू कर लेता है और अपनी सॉर्ड निकालता है और सेकंड फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीदिंग टेक्निक वाटर व्हील का यूज करके उस डीमन का हाथ काट देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। अब डीमन तंजीरो का मास्क देखकर कहता है कि एक और लिटिल फॉक्स अब मेरे पास आ गया, जिसको तंजीरो समझ नहीं पाता। डीमन तंजीरो से पूछता है कि ये कौन सा साल है। तब तंजीरो उसे कहता है ये 300 पीरियड है, जिसे सुनकर डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सकोंजी का नाम लेकर कहता है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि 47 साल पहले सकोंजी ने ही उस डीमन को माउंट फूजी पर कैद किया था, जिसे सुनकर दूसरा बच्चा कहता है कि कोई भी डीमन इतने सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। तब डीमन उसे बताता है कि जब उसे यहाँ कैद किया गया था, तब से वो अभी तक फाइनल सिलेक्शन के 50 बच्चों को खा चुका है, जिसमें से 13 बच्चे सकोंजी के स्टूडेंट थे। तभी वो डीमन सकोंजी के 2 फेवरेट स्टूडेंट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तंजीरो को समझ आता है कि ये साबितो और माकोमो की बात कर रहा है और वो दोनों मारे जा चुके हैं। फिर डीमन बताता है कि सकोंजी के दिए हुए मास्क की वजह से वो उसके स्टूडेंट को पहचान जाता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद तंजीरो को बताता है कि उसने कैसे माकोमो को मारा, जिसे सुनकर तंजीरो को बहुत ही गुस्सा आता है
और वो डीमन पर अटैक कर देता है, पर गुस्से की वजह से तांजीरो ठीक से फोकस नहीं कर पाता और डीमन उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है, जिससे तांजीरो का मास्क टूट जाता है। तांजीरो के सर से खून निकलने लगता है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। डीमन जैसे ही तांजीरो को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तांजीरो को अपने छोटे भाई सुगेरु का चेहरा याद आता है और तांजीरो होश में आ जाता है और डीमन से बच जाता है। उसके बाद वो डीमन अपने बहुत सारे हाथों से तांजीरो को पकड़ने का ट्राई करता है। तांजीरो उसके सभी हाथों को एक एक करके काट देता है, पर डीमन के हाथ वापस से बढ़ जाते हैं। डीमन तांजीरो को बताता है कि उसे मारने के लिए केवल एक ही तरीका है और वो है तांजीरो उसकी गर्दन को काट दे, और साथ ही कहता है कि साबितो ने भी ये कोशिश की थी लेकिन डीमन ने उसे मार दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि माकोमो साबितो से कहती है क्या तांजीरो उस डीमन को मार पाएगा, जिस पर साबितो कहता है उसे नहीं पता, लेकिन तांजीरो ने यहाँ के सबसे बड़े पत्थर को काट दिया था। तांजीरो डीमन के सर की तरफ जाते हुए डीमन्स के हाथों पर भागने लगता है। जैसे ही डीमन के बहुत सारे हाथ तांजीरो की तरफ आते हैं तो वो टोटल कंसंट्रेशन टेक्निक का यूज करके सभी हाथों को काट देता है। डीमन सोचता है कि उसका गला काफी मजबूत है, तांजीरो उसे नहीं काट सकता। तभी तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश का यूज करता है और उस डीमन की गर्दन को काट कर अलग कर देता है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।